मुर्रखा 21 और 22 अक्टूबर 2017 को मजलिस अंसारुल्लाह स्वीडन ने अपने 28वें नेशनल इज्तमा का इनेकाद मस्जिद नासिर गोथेनबर्ग में किया। इस तकरीब का आगाज़ रजिस्ट्रेशन और नाश्ते से हुआ, जिसके बाद इब्तदाई तकरीब हुई जिसमें नेशनल सदर साहिब अंसारुल्लाह स्वीडन ने ख़ताब फरमाया और आखिर पर दुआ करवाई। पहले दिन तमाम इल्मी मुकाबला जात करवाए गए, जिनमें तिलावत, नज़्म, हिफ्ज़ कुरान, तकरीर और कुरानी दुआओं के अलावा और मुकाबला जात भी शामिल थे। अंसारुल्लाह ने हिस्सा लेने और अपने भाइयों से सीखने में बहुत ज़ौक़ और शौक़ का मुजाहरा किया। पहले दिन की नुमाया चीज़ शायरी का दोस्ताना मुकाबला था, जिसमें अंसार को अपनी और दूसरों की शायरी पढ़ने का मौका मिला। ये दिलचस्प मुकाबला पहले दिन का आखिरी मुकाबला था, जिसमें तमाम शामिलीन इज्तमा खूब लुत्फ़ानंदोज़ हुए। दूसरे दिन का आगाज़ वर्जिशी मुकाबला जात से हुआ, जिसमें अंसार ने भरपूर शमूलियत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया। इनमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल और दीगर मुकाबला जात शामिल थे। खुदा के फजल से इतवार मोरखा 22 अक्टूबर को ये दो रोज़ा इज्तमा तकरीब तकसीम इनामात के साथ अपने आखिरी मरहले को पहुँचा। तकसीम इनामात की तकरीब का इख्तिताम मोहतरम मुबल्लिग इंचार्ज साहिब स्वीडन की एक प्रेजेंटेशन के साथ हुआ, जो कि हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनसरहिल अज़ीज़ के अंसारुल्ला यूके के ख़ताब के नुकात पर मबनी थी। आखिर पर मुकर्रम अमीर साहिब स्वीडन ने इज्तमाई दुआ करवाई और यूं ये दो रोज़ा बाबरकत इज्तमा अपने इख्तिताम को पहुँचा। MTA इंटरनेशनल न्यूज़, स्वीडन स्टूडियोज़।